है। इस वक्त फोन लाइन पर विनोद कुमार जुड़े हैं भोपाल से, इनका भी शायद लोन रिजेक्ट हुआ है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण रहा। नमस्कार विनोद, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग जी। पर्सनल लोन लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, बताएं क्या एग्जैक्टली बैंक ने कारण दिया है। सीवी बता रहे हैं कुछ सेटलमेंट वगैरह हो गया होगा तो उसकी सीवी खराब हो गई जी, तो कारण रिजेक्ट हुआ। तो सीवी को ठीक कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिबिल। ऑलराइट, आपने खुद से अभी तक वैसे ऑनलाइन अभी तक ट्राई किया, जाने कोशिश की स्कोर कितना है आपका? नहीं ये तो नहीं किया मैंने। ठीक है, आप बने रहे फोन लाइन पे, इसी पर चर्चा करेंगे कि बाकी दर्शक भी जो इस वक्त देख रहे हैं कार्यक्रम को और जो शायद वो भी ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर आपका कम है, इस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है। क्रेडिट स्कोर आप कैसे सुधार सकते हैं, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हर्ष, जैसा कि पिछले दर्शक ने भी जाना चाहा था, पर्सनल लोन मिलने में दिक्कत थी, हालांकि रीजन वहां कुछ और था, लेकिन ये भी एक कॉमन कारण है कि क्रेडिट स्कोर खराब है। पिछले 5-6 साल पहले कोई इन्होंने शायद सेटलमेंट किया जिसकी वजह से अब नेगेटिव वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और जिसके चलते लोन रिजेक्ट हो गया है। पहले तो नहीं बताएं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है और एग्जैक्टली अगर उसको इंप्रूव करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं? तो सारी बैंकें जो हैं, जो भी लेंडर्स हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो एक सारी जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, 4 कंपनीज हैं, सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है और एक हाई मार्क है, ऐसी 4 कंपनियां हैं। हर लेंडर को, चारों कंपनियों को आपके सारे रिकॉर्ड्स देने होते हैं और वो लोग कंपाइल करते हैं एक जगह पर। इस तरीके से कोई भी लेंडर जब आपको लोन देने के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो वो इन चारों में से किसी के भी पास जाके आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है निकाल सकता है और उस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को एक नंबर में दर्शाने के लिए वो एक क्रेडिट स्कोर करते हैं जो कि 0 से 300 से 900 तक का स्कोर होता है। जितना हाई स्कोर उतना चांस कम है आपके डिफॉल्ट करने का। एग्जाम में जैसा हाई स्कोर मिलता है तो अच्छा है, वैसी तरीके से जितना स्कोर आपका हाई है उतना अच्छा है। टिपिकली 700 से नीचे अगर आपका स्कोर है तो लोन मिलना आपको मुश्किल होगा और वो तब होता है जब पास्ट में आपका कोई डिफॉल्ट होता हो। तो अगर आपका डिफॉल्ट है जैसे कि विनोद कुमार जी का है, पुराना, ये खुद ही बोल रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम की साइज क्या है ये आप जाने। उसके लिए आपको अपना खुद का क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहिए, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। कहाँ मिलेगा ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कहाँ जाने से आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वो स्कोर। अगर ऑनलाइन नहीं ले पाते कोई कारण से तो वहीं पे उसका एड्रेस भी दिया है, वहां पे आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर और डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे तो वो आपको जो है बाय कुरियर आपके घर पर वो आ जाएगा क्रेडिट स्कोर। उसमें देख लें पहले कि जो भी चीजें उसमें मेंशन्ड है वो सही है कि नहीं। अब अगर आपने जेन्युइनली वो सेटल किया है तो उसकी वजह से आपका स्कोर लो होगा, उसको सुधारने की प्रक्रिया धीरे होगी। कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि पुराना जो स्कोर आपका खराब हुआ है उसको कैसे सुधारें। जादू की छड़ी कुछ नहीं है, धीरे धीरे आपको सुधारना होगा। मेडिसिन इसमें यह है कि आप अभी तो आपको ऐसा पर्सनल लोन वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट के सामने जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो ले लीजिए, या जैसे सिक्योरिटी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, शेयर्स हैं, NSE है, उसके सामने आपको लोन मिल जाएगा इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है लो है। उन लोन्स का आप टाइम पे भुगतान करेंगे ओवर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा और उसके बाद आपको जो है रेगुलर पर्सनल लोन्स या रेगुलर होम लोन्स जो हैं वो मिलने की आपकी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 300 से 900 की रेंज में होता है और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं काफी कम स्कोर है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, तो फिलहाल पर्सनल लोन तो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपका स्कोर बेहतर हो उसके लिए कुछ टिप्स हर्ष ने जरूर बताई, उसको आप जरूर नोट कर लें। और साथ ही किसी भी किस्त को भरने के लिए आप अंतिम डेट का इंतजार ना करें, टाइमली अगर आप पेमेंट करेंगे और जैसा कि अभी रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का